हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आइडिया में बहुत ज़्यादा जो है गिरावट हो रही है, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट, और इस यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने वाला है, जिससे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर लॉस है तो एग्जिट भी कर सकते हैं। तो देखिए आइडिया दोस्तों, आइडिया एक छोटा सा, मतलब अगर हम कंपेयर करते हैं जियो से रिलेटेड, तो जियो दोस्तों अगर रिलेटेड से हम जियो करते ये करते हैं, तो आइडिया बहुत ज़्यादा दोस्तों छोटा है। तो मैं बोलूँगा दोस्तों इसका स्ट्रक्चर वीक था, पहले से ही वीक था, और आइडिया वोडाफोन जब दोनों मर्ज हो गया उसके बाद अभी तक दोस्तों इसका जितने भी क्वार्टर रिजल्ट आए हैं वो सफिशियंट प्रॉफिट निकाल के नहीं दे पाया है। देखिए इसमें जब भी, देखिए एक बात दिखाता हूँ अभी छोटे से, देखिए दोस्तों जब ये लोएस्ट बनाया था, यहाँ देखिए जब ये लोएस्ट बनाया था अराउंड 367, देखिए इसमें जो पॉइंट है तो पॉइंट में भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों एक छोटा सा स्टॉक है, तो इसमें अगर पॉइंट में भी अप डाउन होता है तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन दिखा जाएगा। तो देखिए जो लोएस्ट बनाया था 3.67, उसके बाद जब हाइएस्ट आई थी दोस्तों यहाँ पर देखिए तो अराउंड 4.80 के आसपास आया था, लेकिन फिर से देखिए गिरावट आ गई। तो अब क्या करना चाहिए जो लोग फंसे हुए हैं? तो सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगा कि इसमें से निकल जाइए प्लीज़। ये एक, अगर आप इसमें वेट ये करना चाहते हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं कोई ऐसे कंपनी में जो टेलीकॉम ही सेक्टर हो, टेलीकॉम सेक्टर में, तो मैं बोलूँगा आप एयरटेल में जा सकते हो, नहीं तो दोस्तों जियो में जा सकते हो, क्योंकि आपको पता है इसके ऊपर इतना बड़ा पेनल्टी लग चुका है आइडिया के ऊपर। ये मतलब उतना सफिशियंट अमाउंट नहीं है इसके पास पे करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा। और एक चीज़ बता देता हूँ, इसका बिजनेस मॉडल देख लीजिए, ये जो है 5 ईयर्स का मैं आपको कैंडल चार्ट दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है? देखिए इसमें क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये हाईएस्ट जब बनाया था तो 200 के आसपास, लेकिन उसके बाद जब गिरावट हुई तो देखिए थोड़ी थोड़ी इसमें उछाल आती थी। अगर थोड़ा थोड़ा भी उछाल दिखेगा, देखिए यहाँ पर जब गिरावट आई थी तो अराउंड इतना था, फिर ये हाईएस्ट गया था तो अराउंड इतना था, देखिए तो थोड़ी बहुत देखिए अप डाउन होती है, ये मार्केट है दोस्तों, फ्लक्चुएट करता ही रहेगा करता ही रहेगा। देखिए जब यहाँ पर ये लोएस्ट पॉइंट बनाया था, उसके बाद 68 के बाद यहाँ देखिए हाईएस्ट पॉइंट बनाया था 122 का, फिर अप डाउन, तो फाइनली देखिए मतलब कि फाइनली इसका जो बिजनेस मैनेजमेंट है, प्रॉफिट है, इसका जो मार्केट कैप है, जितना इसका सब्सक्रिप्शन है, चेक कीजिए वो कितना जा रहा, धीरे धीरे दोस्तों डाउन जा रहा। और डाउन जाने के साथ साथ मैं बोलूँगा कि जितने भी टेलीकॉम सेक्टर में आइडिया वीक पड़ जा रहा है, तो आइडिया को थोड़ा सा सर्वाइव करने में प्रॉब्लम होगा। और आइडिया का यहाँ पर देखिए खुद से ये आइडिया खुद से बता दे रहा है, यहाँ देखिए आपको टेक्निकली बताया जा रहा है, यहाँ पर देखिए ये खुद से बताया जा रहा है कि ओनली जो है 13% आप इसमें जो है निवेश कर सकते हैं। जब इसके पास ही खुद का कॉन्फिडेंस लो बैठा है, तो हम अपना कॉन्फिडेंस क्यों हाई करके बैठे? जब कंपनी के प्रमोटर्स को खुद के ऊपर बिलीव नहीं है, तो हम क्यों वहाँ पर अपना पैसा लगा के ये करें, वेस्ट करें, बताइए। देखिए इसका जो फाइनेंशियल ट्रेंड है कितना, ये देखिए अभी जो है 2019 2018 17 16, जब देखिए 16 में ठीक था, 17 में भी डिक्रीज हो रहा था, लेकिन फाइनली हम लोगों को देखना है 2019 में, देखिए डायरेक्ट -4.16, यहाँ पर देखें -14 पॉइंट, तो बहुत ज़्यादा जो है इसमें डिक्रीमेंट हो रहा है। तो इसमें मैं बोलूँगा कि एज सुन एज पॉसिबल थोड़ा निकलने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इंट्रेंसिक वैल्यू जो फर्स्ट है, वो भी इनसफिशियंट डाटा है। देखिए इसके पास जो डाटा है वो भी सफिशियंट नहीं है, जब इसके खुद के डाटा इसके पास ही सफिशियंट नहीं है, तो आप लोग कहाँ से डेटा लाएंगे सफिशियंट, बताइए। जब इसके बारे में इसको खुद नहीं पता है, तो हम लोग नहीं कर पाएंगे दोस्तों, यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। रिटर्न ऑन FD डिविडेंड रिटर्न में तो देखिए ये अट्रैक्टिव डिविडेंड देता ही नहीं है। इक्विटी पॉइंट में तो देखिए जितना स्टॉक गिर रहा है उतना में आपको बताया जाएगा, यहाँ पर भी देख लीजिए फ्लैग फाउंडेड में यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो मैं बोलूंगा। और इसका देखिए मैक्सिमम चार्ट आपको दिखाता हूं, जब ओपन हुआ था, ये ओपन होने के बाद जो ये फर्स्ट हाईएस्ट बनाया था तो इतना बनाया था दोस्तों 77 का, फिर लोएस्ट बनाया था यहाँ देखिए फाइनली 28 का, लेकिन फिर से जब हाई बनाया दोस्तों टेलीकॉम सेक्टर में जब आया था, यहाँ पर देख सकते हैं 2007 9 12 14 17 है, ठीक है 17 तक आपको बताया। तो जब तक जियो नहीं था तब तक वोडाफोन भी बहुत अच्छा चलता था, एयरटेल को भी टक्कर देता था, लेकिन ये भी अभी तक हार नहीं माना है। इसको दोस्तों गवर्नमेंट सपोर्ट किया था, उसकी वजह से इसके प्राइस में जो है थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन नज़र आई थी, जो इंक्रीमेंट हो रहा था बुलिश था, लेकिन यहाँ पर देखिए अभी इसने जो है एक ऑफर निकाला छोटा सा, देखिए यहाँ पर बताया गया एक लॉन्च किया है, देखिए REDX करके फॉर प्रीमियम सब्सक्राइबर। तो अगर आप प्रीमियम इसका सब्सक्राइबर हैं, तो अगर इसका आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो देखिए अगर ये नए नए स्कीम्स निकालता है,
और बेटर, मतलब कि एयरटेल से और जियो से, MTNL BSNL से अगर अच्छा सर्विस देता है, अगर नेटवर्क भी अच्छा रहता है, तो पक्का इसका आने वाले दिनों में इंक्रीज़ होगा। लेकिन मैं सीधी बात बोल देना चाहता हूँ, क्योंकि आप परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट देख रहे हो, यहाँ पर आपको एक दिन पहले बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने वाला है। इसलिए अगर आप वोडाफोन आइडिया में पैसा लगाना चाहते हो, तो मैं बोलूँगा एक छोटा सा अमाउंट लगाओ। देखिए, आपका कैपिटल मान लीजिए कि आपके पास 1 लाख रुपया, तो 1 लाख रुपया में से आपको 15-15 हज़ार रुपया इसमें लगाना। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो 15 हज़ार रुपया, ज़्यादा से ज़्यादा 15 हज़ार, 15 हज़ार से 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं लगाना है अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि देखिए यहाँ पर कितना हैवी लॉस आपको दिया जा रहा है विथ इन ए मंथ, विथ इन ए ईयर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके इंक्रीज़ कीजिएगा दोस्तों, और अगर आप किसी और स्टॉक के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, हम आने वाली वीडियो में आपके उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे।